भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने चुनाव लड़ा, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी हमारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को भी हम पूरी तरह से पालना करते हुए आगे काम करेंगे। मैं उन विषयों को भी धीरे धीरे हम लेना चाहेंगे जिनसे राजस्थान की जनता त्रस्त थी। हम उन विषयों को भी लेना चाहेंगे जिन विषयों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को लेकर के उस अंतिम व्यक्ति के पायदान के लिए, उस अंतिम व्यक्ति का सहारा बनने के लिए, उस अंतिम व्यक्ति की अभिभूति के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उन विषयों को भी हम लेना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का काम किया है पूरे देश के अंदर, हमने राजस्थान में महिला और बाल का अत्याचार देखा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करेगी। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकता रहेंगे। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार उन्मूलन हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में चलते हुए प्रदेश की डबल इंजन की सरकार किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत फैसले लेंगे। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर किया जाएगा पूर्ण नियंत्रण। जिम्मेदारी भी दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति। सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। लंबित प्रकरण को तुरंत निस्तारण होगा। विभिन्न कार्यालयों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता से एवं सम्मान के साथ समाधान किया जाएगा। भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। वृहद स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने SIT का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि SIT का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच SIT गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं है। भविष्य में कोई पेपर लीक की घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। जिन्होंने किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी घोषणा करते हैं। संगठित अपराध उन्मूलन के लिए एडीजीपी अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का अपराध नहीं होने दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह का अपराध होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा मैंने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की योजना को लेकर के कल 16 दिसंबर को पूरे राजस्थान के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता तक पहुंचेगी जन कल्याणकारी योजना है। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के जो उन्होंने पूरे देश के अंदर उन गरीब परिवारों को चिन्हित करने का भी काम किया है और उनको उन योजनाओं का लाभ देने का भी काम किया है। हम चाहते हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजनाओं से वंचित ना रहे। इसके लिए भी हमने एक प्रदेश के अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है कि प्रतिदिन कितने पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया है। ये काम सिर्फ पेपर पर नहीं होगा, ये काम जनता के बीच में जाकर के जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन पर चलते हुए भारत विकासशील से विकसित देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। यात्रा के तहत प्रदेश में सभी लाभार्थियों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर उनके सशक्तिकरण का कार्य करेगी। यात्रा के द्वारा अब तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित सभी प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर कोई पात्र व्यक्ति छूटता है तो इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि वो पात्र व्यक्ति किस कारण से छूटा गया। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी सरकार अंत्योदय गरीब कल्याण के लिए उस अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति के लिए जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए और उस पात्र व्यक्ति को उसका पूर्ण रूप से विकास की माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चितता हमारी सरकार करेगी। मैं आपको आज इतना ही, समय समय पर आगे और भी हमारे जो काम है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं इतना ही, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।